हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? वेलकम यू ऑल इन एसके ट्यूटोरियल ड्राइंग एंड पेंटिंग क्लासेस। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ इसे सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करें ताकि मैं और भी वीडियोस बनाता रहूँ। आज मैं आपके सामने एक स्केचिंग ट्यूटोरियल्स स्पेशली फॉर बिगनर्स मैं लेकर आया हूँ। सो उसमें मैं आपको बताऊँगा कि कैसे स्केचिंग की जाती है और स्टार्टिंग में किस तरह से हमें उसको किस पेंसिल का यूज़ करना है और कैसे एक लाइट स्केचिंग करनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैं कर रहा हूँ कि एक सर्कल बना के उसको आप एक डिवाइड कर दीजिए प्रोपोर्शन की, आईज का पोर्शन क्या होगा, नोज़ का पोर्शन क्या होगा, लिप्स का पोर्शन क्या होगा, और इस तरह से एक लाइट पेंसिल चलानी है, बिल्कुल लाइट, ताकि कहीं भी हमें कुछ रब करना हो, कुछ इरेज करना हो, कहीं कुछ गलती हो जाए तो उसको हम सुधार सकें। क्योंकि एक बार आपने डार्क पेंसिल चला दी तो फिर उसे इरेज करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है और वो एक उसकी जो स्पॉट होती है वो रह जाती है। सो बिल्कुल लाइट पेंसिल चला के हम एक फेस ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस तरह से कि फेस ड्रॉ हो गया, अब इस पर हम डार्क करते हैं इसको और इस तरह से हम शेडिंग का स्पेशली बहुत यूज़ होता है, तो इसको अब डार्क कर रहे हैं। लाइट शेडिंग देते जाएंगे, दूसरी तरफ की भी बिल्कुल प्रोपोर्शन का बहुत ध्यान रखना होता है, दोनों आइज के बीच में, दोनों आइज की जो साइज़ है ये लाइट शेडिंग देना है, और फिर भी नोज़ का पोर्शन बनाते जाएंगे और बस शेडिंग का ही कमाल है। शेड से ही सारी फीचर्स जो होते हैं वो अपने आप उभर के आते हैं। ये लिप्स का पोर्शन, एक स्माइलिंग गर्ल, स्मॉल गर्ल का फेस है ये, और मैंने वीडियो थोड़ी फास्ट रखी है क्योंकि ऐसे बहुत लंबा वीडियो बन जाता लाइक दैट। बस एक जो जो हमने लाइट आउटलाइन ड्रॉ की थी उसी पे काम करना है और उसको डार्क करना है आउटलाइनिंग्स को, और शेडिंग के थ्रू अब उसमें ये हमने, मैं कुछ ब्रशेस चला रहा हूँ ताकि जो हमने शेड किया है उसे और अच्छी तरह से उसको मिक्स कर लिया जाए। वो खासकर जो कार्टेज पेपर का जो यूज़ बहुत अच्छी तरह से होता है शेडिंग के लिए, और इसको अब फिर से हाइलाइट्स करेंगे, थोड़े से और डार्क पोर्शन करेंगे। अब जहाँ जहाँ हमें हाइलाइट्स देनी है नोज़ के पोर्शन को डार्क करेंगे थोड़े इधर साइड में, शेड्स का बहुत बड़ा रोल होता है एक मैच्योर पिक्चर के लिए। अगर आपको पिक्चर में एक मैच्योरिटी चाहिए तो उसमें शेड्स का बहुत बड़ा रोल होता है। विदाउट शेड वो एक अधूरी पिक्चर वो मानी जाती है। ये हेयर का पोर्शन, इसे हम आप डार्क करेंगे, इस तरह से हेयर को मैं चारकोल पेंसिल भी कई तरह की आती है, सो मैं थोड़ी सी डार्क चारकोल पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। हाँ, इस तरह से हेयर का पोर्शन हम बनाएंगे।
साइड साइड में बाल, फिर से इसको थोड़ा सा और शेडिंग के लिए ब्रश से थोड़े इसको और मिला देंगे, मिक्सअप कर देंगे, जो उसके जो चारकोल के जो ग्रेन्यूल्स होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, वो अच्छी तरह से कार्टेज पेपर में जाके मिक्स हो जाती है, अंदर बैठ जाती है और एक अच्छी इमेज उभर के आती है। अब फिर से इसको जहाँ जहाँ हमें हाईलाइट देनी है, जहाँ जहाँ डार्क करना है, उसे हम फिर से करेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं कि एक अच्छी पिक्चर धीरे धीरे आपको सामने उभर के आ रही है, और ये सिर्फ केवल शेडिंग का ही कमाल है। शेड्स को जितनी दो तीन लेयर में आप लगाते हैं, उतने ज़्यादा आप ये हेयर को हम और ज़्यादा थोड़े डार्क करेंगे। हेयर के पोर्शन को थोड़ी और मैच्योरिटी देंगे और इसे ब्लैक करेंगे थोड़ा, और इस तरह से हेयर के पोर्शन को हमने डार्क कर लिया, और साइड साइड में जो बाल हैं उसको भी डार्क करेंगे, और पीछे का बैकग्राउंड भी हम थोड़ा सा बनाएंगे। कहीं कहीं मैंने रबर का यूज़ किया, थोड़ी सी जहाँ जहाँ हमें एक रोशनी देनी है, हाइलाइट्स देने हैं थोड़े, उसको दिखाने के लिए रबर का भी यूज़ करेंगे, और इस तरह से बैकग्राउंड को भी थोड़ी मैच्योरिटी दिखाएंगे कि बैकग्राउंड कैसे तैयार होता है। सो लाइक दिस, ये एक ब्रश है, उसको हमने फिर हल्का सा टचअप दिया है और थोड़ा सा आईज का पोर्शन और डार्क कर देंगे, आईज और आईब्रो जो थोड़ी लाइट हो गई थी उसे थोड़ा सा डार्क करके। लिप्स के पोर्शन पे कहीं कहीं हमें जहाँ पे लाइट्स देनी है, जहाँ पे इस तरह से हमारे पोस्ट